राजाओं की पहली किताब अध्याय 5 मंदिर निर्माण की तैयारी। सोर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ने बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं के उसके पांव तले न कर दिया, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी। तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबालोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदी नियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है कि वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबालोन से समुन्द्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुन्द्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोल कर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों में आपस में वाचा भी बांधी। राजा सुलेमान ने पूरे इजराइल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए और उन्हें लबालोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया और एक महीना वे लबालोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया। सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिया थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए। अतः सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गब्बालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। थैंक यू।